तेलंगाना में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रही है। ऐसे में राजनीतिक दल जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी क्रम में भारत राष्ट्र समिति ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए हैं। बीआरएस ने सत्ता में आने पर गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता, 400 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, प्रत्येक बीपीएल परिवार के लिए 5,00,000 रुपए का बीमा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और किसानों के लिए निवेश सहायता में वृद्धि का वायदा किया है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य रखते हुए बीआरएस ने पिछले महीने 6 गारंटियों के तहत कांग्रेस द्वारा की गई घोषणा से कहीं अधिक वायदे किए। कांग्रेस ने प्रत्येक महिला को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वायदा किया था। इसने किसानों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता और विभिन्न लाभार्थियों के लिए 4,000 रुपए की मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी वादा किया था। बीआरएस ने वादा किया कि सौभाग्य लक्ष्मी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। रविवार को बीआरएस का चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए बीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने वादा किया कि बीपीएल परिवारों के लिए रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा। आसरा पेंशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को वर्तमान 2016 रुपए से बढ़ाकर 5 वर्षों में 5,000 रुपए किया जाएगा। मार्च 2024 के बाद पेंशन राशि बढ़ाकर 3,016 रुपए कर दी जाएगी और 5वें साल में इसे बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए पेंशन अगले 5 वर्षों में मौजूदा 4,016 रुपए से बढ़ाकर 6,016 रुपए कर दी जाएगी। मार्च 2024 के बाद ये राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी जाएगी और हर साल इसमें 300 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। केसीआर ने सभी बीपीएल परिवारों के लिए एक बीमा योजना की भी घोषणा की। केसीआर बीमा योजना 93,00,000 परिवारों को कवर करेगी। सरकार प्रत्येक परिवार के लिए जीवन बीमा निगम को 3600 से 4000 रुपए का प्रीमियम देगी। योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी परिवार को 5,00,000 रुपए का बीमा भुगतान किया जाएगा। रायतु बंधु योजना के तहत किसानों के लिए निवेश सहायता 10,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति वर्ष की जाएगी। पहले वर्ष में राशि बढ़ाकर 12,000 कर दी जाएगी। केसीआर ने वादा किया है कि अगर बीआरएस फिर से सत्ता में आती है तो आरोग्य श्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवरेज 5,00,000 रुपए से बढ़ाकर 15,00,000 रुपए किया जाएगा। बीआरएस ने ये भी वादा किया कि राशन की दुकानों के माध्यम से बीपीएल परिवारों को बढ़िया चावल की आपूर्ति की जाएगी। आवासहीन गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि ऊंची जातियों के गरीबों के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। बीआरएस प्रमुख ने ये भी वायदा किया कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की सरकारी कर्मचारियों की मांग का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। पार्टी ने अनाथ बच्चों के लिए विशेष नीति लाने का भी वादा किया।